जो फोटॉन्स जो हमने पढ़े हैं अभी तक, या जो हमने अभी तक सारी की सारी इम्प्लीकेशंस की हैं, उसमें हम ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा जो है ना इसको डिस्कस करें कि अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, या जो हम इसको रियल लाइफ में लाना चाहेंगे तो वो क्या होगा। ये जो है जो ये साहब खड़े हैं, ये बेसिकली इनका एक मुजस्मा है, और ये जो है ये विलियम रॉन्जन है जिसने एक्सरेज को आइडेंटिफाई किया था पहली दफा, जिससे दरियाफ्त हुई थी। हुई एक्सीडेंटल थी, काफी बड़ी इसकी स्टोरी है, लेकिन बहरहाल इस बंदे ने 1895 में किया था, और विद इन 5-10 ईयर्स जो है ये इतनी पॉपुलर हो गई कि ये हर जगह पे जो है ना एक्सरेज यूज होने शुरू हो गए। तो 1900 के शुरू से ही जो है ना एक्सरेज बन रहे हैं, यानी कि 100 ईयर्स से ज्यादा हो गए हैं इसको, और वो अप्लाई हो रहे हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, बोन्स वगैरह इन चीजों को देखने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके अंदर कि जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही की टाइप है वो, जो हमने पूरा स्पेक्ट्रम देखा था ना, जिसमें विजन वाली वो ये विजिबल लाइट भी है, बाकी सारा कुछ भी है, वो सारे के सारा है। और इसको प्रोड्यूस हम कैसे करते हैं, अभी हम इसको सारा देखेंगे, लेकिन एक सिर्फ आपको अंदाजा देता हूँ कि हम इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज मूव करते हैं, और हम एक कोई भी टारगेट से उनको स्ट्राइक करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सरेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और ये मेथड हाई इन एफिशियंट है, बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। अभी हम देखेंगे इसकी वजह से कितने मसले मसाइल स्टार्ट होते हैं। ये स्लाइड जो है, जो अब मैं आपको दिखाने लगा हूं, ये आप लोगों ने, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल याद कर लेनी है आप लोगों ने, जहन में अभी आप लोगों के जहन में हो ये सारा कुछ, इसमें कुछ चीज मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने एक चीज बनानी है जिसको आप कहेंगे फिलामेंट। फिलामेंट का जो काम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो हीटअप होगा, और वो हीटअप होने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अभी हम इन सारी चीजों को एक एक करके बहुत डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ एक ग्रॉस आइडिया लेना है कि एक्सरे ट्यूब का जो बेसिक फंक्शनिंग है वो क्या है। एक आपने यहाँ पे फिलामेंट लगाया, और ये जो फिलामेंट है ये एक सिर्फ पहला स्ट्रक्चर जो आएगा ना वो आपके जहन में वो ये होना चाहिए कि आपका एक फिलामेंट है, और इस फिलामेंट को आप 10 वोल्ट 10 एम्पेयर फार में लिखा हुआ है, लेकिन ये ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, आप 8 वोल्ट 10 एम्पेयर 12 एम्पेयर, डिपेंड करता है कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने हैं। फिलामेंट का कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करे, वो एक्सरेज नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक हाई वोल्टेज सोर्स लेके आते हैं, और वो वोल्टेज जो होती है वो किलो वोल्ट्स में होती है, मतलब जो आपके घर में वोल्ट्स आ रही है वो 220 वोल्ट 110 वोल्ट, डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं, वो इतने वोल्ट्स होती हैं, लेकिन इसमें आपको किलो वोल्ट्स में चाहिए होते हैं, और उसकी रीजन भी हम देखेंगे कि हमें क्यों किलो वोल्ट्स में चाहिए। अब क्या होगा, इसको हम ये सर्किट हम बिल्ड करने लगेंगे, इसकी जो नेगेटिव साइड है वो तो हम फिलामेंट की तरफ ले आएंगे, ठीक है। ये जो इसमें से जो ये हाई वोल्टेज स्ट्रक्चर, या जो भी हम ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं, जो जनरेटर है वो, उसका वर्ड भी यूज होता है, लेकिन वो जो भी है उसके साथ से जो नेगेटिव साइड है उसकी जो वोल्टेज की, वो हम ला के इधर से फिलामेंट, या जो हमारा जहां से हमने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने हैं उस साइड पे ला के अटैच कर देंगे, और दूसरी साइड हम मूव करके एक साइड पे ले आएंगे, और इसके आगे हम क्या करते हैं एक टारगेट लगा देते हैं। जो टारगेट है उसका काम क्या है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं इसको, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं, तो हम उसको पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम इनको उठा के इधर की तरफ अट्रैक्ट कर लें, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से राइज करें और इधर आगे स्ट्राइक करें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने चूंकि इलेक्ट्रॉन्स मैस हैं, और अगर वो एयर यहाँ पे होगी तो वो सारे का सारा काम खराब कर देगी, तो हम क्या करेंगे कि हम इसके अराउंड एक ग्लास की शीटिंग ले आएंगे, और शीटिंग लाके हम उसके अंदर वैक्यूम भर देंगे ताकि उसमें से एयर खत्म हो जाए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब हम इसको इस हाई वोल्टेज के, पहले हमने इसको हीटअप किया, इसको 10 वोल्ट 10 एम्पेयर दिए, उससे ये गर्म हुई, और उसके बाद क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। अब हमने ये जो ट्यूब वोल्टेज अप्लाई किया, इसका नाम है ट्यूब वोल्टेज, ठीक है। जब हमने ट्यूब वोल्टेज अप्लाई किया तो ये जो जगह है ये नेगेटिव हो गई, और इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है, और ये जगह जो है ये जो टारगेट है ये सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन स्टार्ट हुई, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर को मूव करने शुरू हो गए, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो यहां से डेवलप हुआ जो कि इस फिलामेंट से चला और जाके उसने इस टारगेट की तरफ स्ट्राइक कर दी। अब क्या हुआ, अब इसको यहां पे स्ट्राइक करने के बाद जब वो स्ट्राइक करेंगे तो यहां से फिर जो है वो एक्सरेस प्रोड्यूस होंगे, और वो प्रोड्यूस होके इस डायरेक्शन में बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें से ये जो तीन चार जो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है वो ये हैं कि फिलामेंट वोल्टेज, फिलामेंट करंट, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना,
जो फिलामेंट वोल्टेज फिलामेंट करंट है ये एक अलग चीज है, और जो ट्यूब वोल्टेज है और जो ट्यूब करंट है वो दो अलग चीजें हैं। ट्यूब वोल्टेज यहाँ से ट्रांसफार्मर से प्रोड्यूस होगी और इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो इसके इक्वली होता है। लेकिन आप जैसे सिर्फ सिंपल के लिए याद कर ले कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है जहां पे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसको हम करंट कहते हैं। तो जो ट्यूब करंट है वो ये वाली जगह है, तो यहां से करंट इधर को फ्लो कर रहा है और ये वैक्यूम के अंदर फ्लो करना है, और इसकी स्पीड जो होती है ये ऑलमोस्ट 1/2 to 1/3 ऑफ लाइट होती है, और वो जाके टारगेट से स्ट्राइक करते हैं और फिर टारगेट से निकलने के बाद ये सारे के सारे आगे स्टार्ट होती है। इसकी रीजन कैसे है, प्रोड्यूस कैसे होते हैं, इसको थोड़ा सा हमें मजीद टंगस्टन को या हम किसी भी जो भी हमने इसमें यूज करना है उसको हम यूज करेंगे। और इसमें आप ये देखें, ये एक हमारे सामने एक कॉम्प्लिकेटेड सा आइटम है जिसमें काफी सारे शेल हैं, KLMNO, और इसमें ये होता है कि जो बाहर वाले शेल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ बैलेंस शेल होते हैं कि जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो मूव कर रहा होता है। इसके बाहर भी शेल्स खाली पड़े होते हैं और इसमें ये होता है कि अगर आप इसमें आगे इसको एनर्जी देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके बाहर वाले शेल में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि हम इसमें दो तरह की, जब हमने अब हमने क्या किया, हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए और हमने आगे उसको स्ट्राइक कर दिया टारगेट के ऊपर, और उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पे चार तरह के प्रोसेस होते हैं, एक इलास्टिक इंटरेक्शन विद ऑर्बिटिंग बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, एक इनइलास्टिक इंटरेक्शन, फिर इसी तरह न्यूक्लियस के साथ इलास्टिक इंटरेक्शन और इनइलास्टिक इंटरेक्शन। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो इलास्टिक इंटरेक्शन है ना वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इनइलास्टिक इंटरेक्शन की जो है ना डिस्कशन करेंगे कि जो जिसकी था तुम्हारे एक्सरेज प्रोड्यूस होने का चांस है। मेजॉरिटी इसमें सिर्फ इस पूरी स्लाइड में सिर्फ एक बात याद रखें, 99% जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंच रहे हैं एनोड के ऊपर या जो हमारा टारगेट है वो सारे के सारे हीट में कन्वर्ट हो रहे हैं और हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वहां पे हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है।